तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीरीज कार, जहाँ कार्स और बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बाइक के बारे में, और वो है यहाँ पे रॉयल इनफील्ड हिमालया BS6 रॉक रेड। इसके 7 वेरियंट आते हैं, 7 वेरियंट आते हैं कलर्स में। आप जो सा कलर लेंगे उस वेरियंट में आपको मिलने वाली है। ये कलर के हिसाब से इसमें वेरियंट रखे गए हैं, और जो वेरियंट मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है सबसे टॉप का रॉक रेड। आज बात करेंगे इसी बाइक के बारे में, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, जानेंगे इसमें कितने स्पेसिफिक चीज़ें हैं और कितने फीचर्स मिलते हैं। वैसे ये हिमालयन जो बाइक पहाड़ों के लिए डिज़ाइन करी गई है, और जानेंगे इसके सारे फीचर जानेंगे आज की वीडियो में। बॉडी टाइप की यहाँ पर बात करें तो एडवेंचर टूर बाइक है ये। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 411 cc का इंजन मिलता है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। अब बात करते हैं पावर की, जो पावर इसमें मिलती है वो दी गई है 24.83 PS की पावर दी गई है। 6500 का यहाँ पे RPM दिया गया है। टॉर्क यहाँ पे बात करें तो टॉर्क जो दी गई है वो दी गई है 32 Nm की टॉर्क दी गई है। 4500 का यहाँ पे RPM दिया गया है। वही बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन जो मिलता है 5-स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। क्लच यहाँ पे वेट मल्टी प्लेट यहाँ पे दिया गया है। इग्निशन की यहाँ पे बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन दिया गया है। कंप्रेशन रेशियो की यहाँ पे बात करें 9.51 का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। बोर की यहाँ पे बात करें तो 7-8 mm की बोर दी गई है। स्ट्रोक की यहाँ पे बात करें तो 8-6 mm की स्ट्रोक दी गई है। स्टार्टिंग टाइप की यहाँ पे बात करें तो ओनली सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन में लेंथ की इसकी बात करें तो 2190 mm की लेंथ दी गई है। वहीं बात करें विड्थ की, तो विड्थ जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 840 mm की विड्थ दी गई है। अब बात करते हैं हाइट की, जो हाइट दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 1360 mm की हाइट दी गई है। सैडल हाइट की यहाँ पे बात करें तो 800 mm की सैडल हाइट दी गई है। व्हील बेस जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 1465 mm का यहाँ पे व्हील बेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पे बात करें तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अब बात करते हैं कव वेट की, तो कव वेट जो दिया गया है वो है इसमें 199 kg का कव वेट मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो एक्सीलरेशन की बात करें तो 0 to 60 km/h की स्पीड पहुँच जाती है 3.87 सेकेंड में पहुँच जाती है। अब और 0 to 80 km की स्पीड में पहुंचती है 6.45 सेकंड में पहुंचती है, और 0 to 100 km की स्पीड में जो पहुंचती है 10.49 सेकंड में पहुंच जाती है। रोल वन की यहाँ पे बात करें तो रोल वन यहाँ पे 370 kmph 5.15 सेकंड में, रोल वंस यहाँ पे बात करें तो 40 और 80 kmph 7.31 सेकंड में। ब्रेकिंग यहाँ पे 60 to 0 kmph 23.42 mm यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी यहाँ पे ABS सिस्टम मिलता है डुअल चैनल में। फीचर की यहाँ पे बात करें तो पास स्विच दिया गया है, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन दी गई है, स्टेप अप सीट दी गई है यहाँ पे, पैसेंजर फुटरेस्ट मिलता है। बात करते हैं मीटर की, तो मीटर में यहाँ पे स्पीडोमीटर यहाँ पे एनालॉग दिया गया है, टैकोमीटर एनालॉग दिया गया है, ऑडोमीटर यहाँ पे डिजिटल में दिया गया है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर दिया गया है, ट्रिप मीटर यहाँ पे डिजिटल में दिया गया है, फ्यूल गेज भी डिजिटल में मिलता है, कंसोल यहाँ पे एनालॉग दिया गया है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लाइटिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग की यहाँ पे बात करें तो हेडलाइट्स यहाँ पे हेलोजन में दी गई है, टर्न सिग्नल लैंप यहाँ पे बल्ब दिया गया है, टेल लाइट भी यहाँ पे बल्ब दी गई है, और टेल लाइट यहाँ पे LED में दी गई है। बैटरी टाइप की यहाँ पे बात करें तो MF बैटरी मिलती है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी दी गई है। बैटरी कैपेसिटी की यहाँ पे बात करें तो 12V 8Ah की बैटरी दी गई है। अब बात करते हैं टायर एंड ब्रेक्स की और सस्पेंशन की, तो टायर साइज यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो 21 इंच का टायर दिया गया है फ्रंट में। वहीं बात करें रेयर टायर की, तो रेयर टायर जो दिया गया है 17 इंच का टायर दिया गया है रेयर में। बात करते हैं टायर टाइप की, तो ट्यूब वाला टायर दिया गया है यहाँ पे, ट्यूबलेस टायर नहीं दिया गया है।
बात करते हैं व्हील टाइप की, तो व्हील टाइप भी यहाँ पे स्पोक व्हील दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। व्हील साइज़ की यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो दिया गया है 533.4 mm की यहाँ पे व्हील साइज दिया गया है फ्रंट में। वहीं बात करें रेयर व्हील साइज़ की, तो रेयर व्हील साइज़ दिया गया है 431.8 mm की रेयर व्हील साइज यहाँ पे दिया गया है इस बाइक का। वहीं बात कर लेते हैं फ्रंट ब्रेक की, तो फ्रंट ब्रेक यहाँ पे डिस्क में दिया गया है और जो उसका डायमीटर है वो है यहाँ पे 300 mm का डायमीटर दिया गया है। वहीं बात करें ब्रेक रेयर ब्रेक, तो रेयर ब्रेक भी यहाँ पे डिस्क में दिया गया है और जो उसका डायमीटर है वो है यहाँ पे 240 mm का डायमीटर मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की यहाँ पे बात करें तो टेलीस्कोपिक फोक्स यहाँ पे दिया गया है। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक विद लिंकेज यहाँ पे दिया गया है रेयर सस्पेंशन। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालया PS6 रॉक रेड के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस जो दिया गया है वो यहाँ रखा गया है 1,95,990 रुपीज़ यहाँ पे एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस रखा गया है इस बाइक का। तो ये है रॉयल एनफील्ड हिमालया PS6 रॉक रेड बाइक। ओवरऑल इस बाइक की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती है बाइक, और ये बाइक पहाड़ों में चलने के लिए बनाई गई है। कैसे भी रफ पॉइंट ऑफ रोड हो, ऑफ रोडिंग कैसा भी हो, वहाँ पे बहुत ही इजीली ये चलती है बाइक। और इस बाइक की बात करूँ, डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन भी काफ़ी कंफर्टेबल डिज़ाइन बनाया गया है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए। इसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स यहाँ पे हमने बात करी है फीचर्स के बारे में। फ्यूल कैपेसिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे इसके अंदर लगेज हुक भी दिया गया है कि यहाँ पे पीछे कैरियर में आप लगेज भी लगा सकते हैं। ओवरऑल बाइक की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। जिन लोग को माउंटेन पसंद, जिनको पहाड़ों पर जाना पसंद है बाइक से, उन लोग के लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जिन लोग को ऑफ रोडिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी पहाड़ों पे कभी जंगलों में जाना, तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी उन लोग के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कार्स और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कैसे लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।